नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर और मैं लेके आ गई हूं आज का इतिहास। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इतिहास में। विज्ञान का नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय के नाम पर बने इंस्ट्रूमेंट ने आज ही के दिन चांद पर खोजा था पानी। महान वैज्ञानिक सीवी रमन का आज जन्मदिन है। विज्ञान का नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। सीवी रमन ने साबित किया कि जब किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य में बदलाव दिखता है। उसे रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। अपने इसी आविष्कार के लिए उन्हें 1930 में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। रमन ने 1960 में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की नौकरी की, लेकिन हमेशा से विज्ञान ही उनका पहला प्यार रहा। वे किसी न किसी तरह लेबोरेटरी में पहुंचकर अपनी रिसर्च करते रहते थे। 1917 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हो गए। यहीं पर 28 फरवरी 1928 को उन्होंने के एस कृष्णन समेत अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रमन इफेक्ट की खोज की। यही कारण है कि इस दिन को भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीवी रमन का 82 साल की आयु में 1970 में निधन हो गया। रमन इफेक्ट का इस्तेमाल आज भी कई जगहों पर हो रहा है। जब चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने की घोषणा की तो इसके पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था। फॉरेंसिक साइंस में भी रमन इफेक्ट काफी उपयोगी साबित हो रहा है। अब यह पता लगाना आसान हो गया है कि कौन सी घटना कब और कैसे हुई थी। दो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली इकलौती महिला वैज्ञानिक मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी यानी मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1868 को ही पोलैंड के वारसा में हुआ था। माता पिता दोनों शिक्षक थे, इस वजह से पढ़ाई लिखाई का माहौल मिला। पेरिस में आगे की पढ़ाई के लिए गई तो वहां पर पियरे क्यूरी से मुलाकात हुई। पियरे क्यूरी की लैब में काम करते हुए दोनों की दोस्ती रिश्ते में बदल गई और 1895 को दोनों ने शादी कर ली। मैरी क्यूरी ऐसी इकलौती महिला है जिन्होंने दो बार नोबेल पुरस्कार जीता है। 1903 में फिजिक्स और 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। उन्होंने पति के साथ मिलकर रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, जिसके लिए 1903 में उन्हें संयुक्त नोबेल पुरस्कार मिला। बदकिस्मती से एक साल बाद ही पियरे क्यूरी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैरी क्यूरी ने पेरिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और 1911 में केमिस्ट्री में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए अपना दूसरा नोबेल प्राइज जीता। रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से अप्लास्टिक एनीमिया का शिकार होकर 4 जुलाई 1934 को उनकी मौत हो गई। खास बात यह थी कि मैरी क्यूरी की बेटी आइरिन ने भी 1935 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता। भारत और दुनिया में 7 नवंबर यानी कि आज ही के दिन को यह घटनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आइए देख लेते हैं। 1831 में ब्राजील में गुलामों का व्यापार प्रतिबंधित हुआ था। 1862 में मुगल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय का रंगून में निधन हुआ। 1893 में कोलोराडो में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। 1978 में इंदिरा गांधी को भारतीय संसद के लिए दोबारा चुना गया था। 1982 में तुर्की में संविधान को लागू किया गया। 1998 में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जॉन ग्लेन नाम के अंतरिक्ष यात्री ने सफल मिशन खत्म कर धरती पर वापसी की थी। 2002 में ईरान ने अमेरिकी उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया। 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने गर्भपात पर रोक संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे। 1912 में ग्वाटेमाला में भूकंप से 52 की मौत हुई। 1996 में भारत में तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश में 2000 लोगों की मौत हुई। 2005 में कुख्यात डकैत निर्भय सिंह गुजर जो कि 64 वर्ष के थे की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। 2018 में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया। एक महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया था। तो ये था आज का इतिहास। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।